गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज विजयन सिंह। आई एम एसएसटी टीचर एंड विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल। लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 इन हिस्ट्री, द मेडिवल वर्ल्ड। नाउ टुडे टॉपिक इज चेंजिंग नेम ऑफ द लैंड। इंडिया वाज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास में अलग अलग कालों में भारतवर्ष को जो है अलग अलग नामों से जाना गया है, उसमें जो है अलग अलग नाम बताए गए हैं भारत के। द अर्ली संस्कृत टेक्स्ट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के दौरान जब संस्कृत भाषा जो है बोली जाती थी। डिस्क्राइब द ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन द विंध्य एंड द हिमालय। तो हिमालय और विंध्य के बीच का जो हिस्सा था उसे जो है एज आर्यवर्त और द लैंड ऑफ आर्यंस के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में जो है भारतवर्ष जो है हम आर्यवर्त के नाम से जानते थे, या आर्यंस की भूमि, ठीक है। ड्यूरिंग द एरा ऑफ द पुराण, जब पुराणों का काल आया, जब पुराणों का युग आया, द सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड भारतवर्षम। तब हम जो है इस उपमहाद्वीप को जो है भारतवर्ष के नाम से जानते थे। एंड दिस टर्म्स डिस्टिंग्यूज इट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। द वर्ड हिंदू मे बी ट्रैक्ट टू बी द पर्सियन लैंग्वेज। तो जो हिंदू शब्द है वो पारसी भाषा का है। एंड इट इज यूज टू रेफर टू ए पर्सन हु लिव बियॉन्ड द रिवर इंडस, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज सिंधु इन संस्कृत। तो जो इंडस नदी है उसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। तो क्या होता था, जो लोग वहाँ उधर से आते थे, ठीक है, तो वो जो है उसे जो है हिंदू बोला जाता। इसीलिए क्योंकि हम जो लोग सिंधु नदी के किनारे बसते थे तो उन्हें वो सब लोग हिंदू बोलते थे। मध्य एशिया से आने वाले लोग जो है हिंदू कहते थे क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे बसते हैं, ठीक है। द टर्म्स हिंद एंड हिंदुस्तान वर इन यूज इन पर्शियन एंड अरबिक फॉर्म ऑफ इस्लामिक कॉन्क्यूट्स ऑफ द 11th century। तो जो पर्शियन और अरबिक फॉर्म, तो जो मध्य एशिया मैं अभी बता रहा था, जो मध्य एशिया से जो लोग आते थे, तो 11वीं शताब्दी में पर्शियन या अरबिक्स और जो है इनसे जो है इन्होंने भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान रख दिया, ठीक है। उस समय भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान था। देयर आफ्टर रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। तो मुगल पीरियड में क्या रहा, और दिल्ली सल्तनत बिगिन टू कॉल देयर इंडियन एम्पायर बाई द नेम ऑफ हिंदुस्तान। तो उस समय जो है भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। इंडियाज़ प्रेजेंट नेम इज आल्सो ड्रेव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। द एशियंट ग्रीक रेफर्ड टू द इंडियंस इज एज इंडोई और पीपल्स ऑफ द इंडस। तो वर्तमान समय जो इंडिया नाम दिया गया है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। तो ये जो है आप ये समझ सकते हैं क्योंकि वो इंडियन जो है इंडस नदी के किनारे रहते हैं या इंडस नदी पे। तो जो है इसे ग्रीक एन एशियंट ग्रीक रेफर्ड टू इंडियंस। तो उस समय जो ग्रीक में भारतीयों को जो है जाना जाता है एज इंडोई या फिर पीपल्स ऑफ द इंडस, वे लोग जो इंडस नदी के किनारे रहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। इसलिए भारतीयों को इंडियन जो है कहते हैं, अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को इंडियन कहते थे, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय हैं वो इंडियन इंडस नदी के किनारे रहते हैं, इसलिए वो भारत को इंडियन कहते थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के वीडियो में हम जो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।